इनमें कुछ अलग है इसलिए यहां पर है यूपीएससी का अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे दे हैव क्लियरली मैंशनड दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन विदाउट एनी स्पेशलाइज स्टडी सो आपको एक स्पेशलाइज स्टडी नहीं चाहिए इस एग्जाम के लिए यू जस्ट नीड जनरल अवेयरनेस ऑफ द वेरियस इश्यूज उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए फर्स्टली देन सेकेंड पार्ट इज यू डोंट हैव टू बी किताबी कीड़ा के दिन भर पढ़ रहे हैं किसी आपने आपके सीनियर ने कह दिया बारह घंटे पढ़ना है सातों दिन पढ़ना है नहीं तो नहीं होगा आई बेट यू के यू कैन प्रूव हिम रॉन्ग जो मेरा नेचर है एक आ, कलीग ने भी बोला दैट ही हैज गॉट दी हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन डिले करना कि यार आज नहीं पढ़ा चलो कल कर लेंगे कल नहीं परसों कर लेंगे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है मैं जैसे तीन चार घंटे पढ़ लेता हूं तो उसके बाद ऐसा लगता है बहुत सारा पढ़ लिया अब छोड़ो बैठ जाओ आराम से अब अगले दिन पढ़ेंगे तो देर इज नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच इन यूपीएससी अगर आप मंडे टू सैटरडे भी छ से सात घंटे भी पढ़ रहे हैं मोर देन सफिशेंट बट वो हंड्रेड परसेंट आप अपना इनपुट दीजिए उस छ से सात घंटे में और संडे इंजॉय करो जो करना है करो रिफ्रेश योर सेल्फ बिकॉज इट इज नॉट ओनली अ नॉलेज टेस्ट इट इज नॉट ओनली अ पर्सनैलिटी टेस्ट इट इज अ नॉलेज कम पर्सनैलिटी टेस्ट यू पी एस दो यूपीएससी ने मैंशन किया है इंटरव्यू uh, स्टेज में दैट इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट बट आई वट आई पर्सनली बिलीव के प्रिलिमिनरी में भी वो आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं इन वट वे इनडायरेक्टली आपके इंटेलिजेंट गेसिंग से जो अब करंट ट्रेंड है इट इज़ अबाउट हाउ यू आर एलिमिनेटिंग द रोंग ऑप्शन इफ यू आर एबल टू डू इट यू विल गेट द राइट आंसर यू कैन नॉट चूज द राइट वन बट यू कैन एलिमिनेट द रोंग वन एंड इन मेन्स ऑल्सो आपके कौन से ट्रेस टेस्ट हो रहे हैं पर्सनैलिटी के दैट सपोज जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्जाम हॉल में देर आर ओकेजन्स के शुरू के तीन चार क्वेश्चन की हवा ही नहीं लगी कि कहाँ से आया ये ये तो कभी सुना ही नहीं था हमने कि ऐसा भी कुछ होता है क्या इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ऐसा बहुत बार होगा हर बार होगा जितने भी मेरे uh, कलीग्स भी हैं जो दोबारा देंगे आई एम नॉट गिविंग मतलब मैंने इस बार प्री नहीं दिया ना मैं दूंगा आई एम मोर देन हैप्पी विद दिस रैंक तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया मामले स्पेक्ट्रम पढ़ी बिपिन चंद्रा पढ़ी तो लक्ष्मीकांत पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला सीनियर से पूछ के या अपने टीचर से पूछ के लेकिन कहीं मैंशन नहीं था ये तो तो वहां आपकी टेस्ट हो रही है कि हाउ यू आर एबल टू हैंडल द प्रेशर मैंने वो भी आ, एक क्वेश्चन आया था आई वु लाइक टू शेयर विद यू ऑल मैक कमीशन पेपर टू में जी एस के ऑफ यूनेस्को पूछा था यूपीएससी ने इट वॉज ट्वेंटी एथ क्वेश्चन तो पहले नाइनटीन लिख लिया जो थोड़ा बहुत आता था लिख दिया सब में एंड आई वॉज लेफ्ट विथ फाइव मिनट्स मुझे कुछ नहीं पता था मैकब्राइड क्या है कब हुआ ये बहुत पुराना कमीशन होगा कुछ तो बट यूनेस्को की फुल फॉर्म पता थी कि हाँ ये एजुकेशन से और इन सब से रिलेटेड है तो बस मैं मैकब्राइड में वही सब लिख दिया यूनेस्को को बना के एंड लास्ट में लिख दिया यस इंडिया इज सपोर्टिंग बिल्कुल पॉजिटिव पता नहीं इंडिया ने सपोर्ट किया है कि नहीं किया या क्या मैकब्राइड था वो बट इंडिया इज सपोर्टिंग सो मुझे पता है उन्होंने जिसने भी चेक किया होगा जीरो दिया होगा हंड्रेड परसेंट बट एक आपका वो आप एक एटीट्यूड डेवलप कर रहे हो कि यार किसी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है हमें बिकॉज डरने की इस एग्जाम में कोई जरूरत ही नहीं है ना आज नहीं हो रहा कोई बात नहीं कल होगा इसमें बहुत टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि यार आई एम फ्रस्ट्रेटेड मतलब मेरे कलीग्स जैसे वसंत और मैं एक ही बैच के हैं टू बैच के हैं बीजे से सो हमारे कलीग्स एम कर रहे हैं मतलब रेजिडेंट है बीजे में एक, इंडिया में कहीं पर भी एक दो की हो भी गई है तो वो हमसे पूछते थे यार आ, कब होगा तेरा यूपीएससी क्लियर रांजना मूवी में डायलॉग भी है ना कि इश्क नहीं हो गया साला यूपीएससी हो गया क्लियर ही नहीं हो रहा है ठीक है तो दे इस टू तो आस्क मी सीरियसली केयर कब होगा भाई कब निकलेगा तेरा एग्जाम मतलब तू इससे अच्छा पी कर ले ऐसे टाइम्स आएंगे ऐसे कमेंट्स भी मिलेंगे आपको बट उस समय एक चीज याद रखना कि आपने अपने किसी भी फ्रेंड के लिए ये लाइन नहीं चुनी है आपने अपने लिए लाइन चुनी है ठीक है वट मैटर्स इज यू और सपोर्ट सिस्टम की भी बात हुई आज जहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं उसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके पेरेंट्स हैं जब वो आपके पीछे खड़े होकर कह देंगे ना कि बेटा बेटी हम तुम्हारे पीछे हैं आप अपनी तरफ से बेस्ट करो जो रिजल्ट आएगा देखी जाएगी उस दिन आपको लगेगा कि हमने बहुत सही डिसीजन लिया है बिकॉज जब आपके मन से डर खत्म हो जाएगा ना रिजल्ट को लेके फिर आप अपना इस एग्जाम में बेस्ट शॉट देंगे और जब आप बेस्ट शॉट दे देंगे फिर कोई नहीं रोक पाएगा मतलब मैं ये चीज़ करता था कि रात को सोने से पहले आई यूज टू से टू माई सेल्फ दैट आई विल क्लियर दिस एग्जाम एंड नो बडी कैन स्टॉप मी ट्रस्ट मी ये इट वर्कस लाइक वंडर्स आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर देगा ना ये लाइन जब आप ये खुद को बोलोगे किसी और को नहीं बोलना चिल्ला के माइक पे कि लोग फिर बाद में मजे लें आपके कि यार ये क्या बोला था तुमने ठीक है खुद को बोलना है और अगर जो अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी इट्स इट्स रियली अ वेरी गुड बुक आप उसको पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी लाइफ में हर एक चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी और बस ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए अतुल सर का मैं थैंक्स uh, बोलना चाहूँगा दिल से कि उन्होंने मेरे को uh, डेली से इन्वाइट किया यहाँ पर आने के लिए और मैं स्पेशली सिर्फ इसी फंक्शन के लिए आया हूँ डेली से और कोई काम नहीं था मुझे यहाँ पर सो so, थँक्यू यू ऑल फॉर इतना आपने पेशेंस रखा की मैं लास्ट बोलने के लिए फिर भी सुन रहे हैं आप लोग सो सो नहीं रहे हैं तो यू मच बेस्ट ऑफ लक एक सचिन बोलला त्यावरून मला दोन तीन गोष्टी आठवल्या म्हणजे जे फरक काय वन नाईन्टी थ्री थ्री ट्वेंटी सिक्स तर तो म्हणाला की तो, तो दिवसातून तीन किंवा चार पाच तास अभ्यास केला के त्याला असं वाटायचं खूप अभ्यास केला ऍक्च्युली ते खरं आहे म्हणजे तो चार तासात जे कव्हर करत असेल ते कव्हर करायला आपल्याला दहा किंवा बारा तास लागतील म्हणजे त्याचा स्पीड वाचण्याचा आणि लिहिण्याचा लिहिण्याचा मी इथून उठून यासाठी आलो तेवढ्यासाठीच लिहिणं किती महत्वाचं आहे म्हणजे एकदा सर क्लासमध्ये एक काहीतरी सरांचं होतं की एक प्रश्न देणार आणि तुम्ही त्याच्यावर इंट्रोडक्शन लिहा फक्त फक्त इंट्रोडक्शन लिहा तर सरांनी एक काहीतरी प्रश्न दिला मी घेतली इंट्रोडक्शन लिहायला मी पहिलीच ओळ माझी संपली नव्हती तोपर्यंत याचं इंट्रोडक्शन फिनिश म्हणजे मी एक ओळ लिहित नाही तो पण त्याच्या पाच ओळी लिहून झाल्या होत्या म्हणजे तुमचं लिहिण्याचं स्किल हे किती महत्त्वाचं आहे हे लक्षात घ्या म्हणजे त्या गोष्टीवर एफर्ट्स घ्या लिहिणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि तुम्हीही तसा प्रयत्न केला तर कदाचित तुम्हाला तेवढं चांगलं आउटपुट मिळेल थँक्यू